और चले आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मंत्री विनोद नारायण झा भी उनके साथ हैं। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास विभाग आनंद किशोर और आयुक्त संजय अग्रवाल भी घाट पर मौजूद हैं। तो घाटों का लगातार यहां पर वो जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और उसी रंग में पूरा बिहार रंगा नजर आ रहा है। पटना की बेहद खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, जो कि रंगत बयां कर रही है। आज के दिन की नहाय खाय के साथ शुरुआत हो रही है छठ की। छठा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां नीतीश कुमार छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी व्यवस्था, कितनी तैयारी की गई है, क्या कुछ कमी रह गई है, ये तमाम चीजों का जायजा लेने उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जी बिहार झारखंड पर, सीधी तस्वीरें हैं ये पटना से। और ये देखिए नाव में सवार होकर एक पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो कि घाटों का अब दौरा करेगा। नीतीश कुमार को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को सुशील मोदी भी मौजूद हैं, मंत्री विनोद नारायण झा भी हैं साथ में। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को भी आप देख पा रहे हैं, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी साथ में हैं, नगर विकास विभाग के आनंद किशोर और आयुक्त संजय अग्रवाल भी घाट पर मौजूद दिखाई दिए। लगातार ये तस्वीरें, अब चार दिनों तक आस्था का ये महापर्व चलने वाला है और उससे पहले जो तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अभी बिहार कहीं ना कहीं आपदा से प्रभावित होकर बाहर निकला है तो काफी कम समय मिला इन तैयारियों के लिए और इन कम समय में कितनी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं वो हम यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र वहीं घाट पर मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री खुद निकले हुए हैं, उनके साथ पूरा उनका प्रतिनिधि मंडल है, तमाम मंत्री भी हैं और कोशिश यही है कि कहीं कोई कमी रह गई हो तो, क्योंकि आज से शुरुआत हुई है, अभी तीन दिन और है, चार दिनों का ये पर्व है, उसे ठीक कर लिया जाए। शैलेंद्र चलिए, शैलेंद्र संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर। दौरा करने निकला है घाटों का, नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो गई है और ऐसे में पूरी तरह से व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए नीतीश कुमार खुद निकले हैं। बोट के जरिए एक प्रतिनिधि मंडल है जो कि घाटों को देख रहा है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नीतीश कुमार जिस तरह से निकले हैं पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ एक तरह से देखने के लिए, ये समझने वाली बात है कि आपदा से अभी निकला है बिहार और ऐसे में कोई कमी ना रह जाए इसको लेकर पूरी व्यवस्थाओं को पुख्ता रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था को पुख्ता रखना चाहते हैं और साफ तौर पर है जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो ये बोट है उसके जो बैठे हुए उसको हाईटेक बनाया गया है और जो कैमरे लगाए गए ताकि घाटों की जो एक तरह से कहें कि सीधी तस्वीर या कहें कि पूरा घाट किससे उनको दिखे उसके लिए एलईडी टीवी लगाई गई है। तो साफ तौर पर है कि कोई शोर कसर न रह जाए इसको लेकर एक चीज मुख्यमंत्री देखने के लिए निकले हो, क्योंकि दो दिन बाद ये जो सांझ का अर्घ है वो होने वाला है और उससे भी मुख्यमंत्री निकलते हैं सांझ का जो अर्घ होता है और इस समय उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो सब साथ में हैं, चाहे सुशील मोदी हो, पथ निर्माण मंत्री हो, जल संसाधन मंत्री हो, अब जितने विभाग के अधिकारी हैं वो सब हैं और इस तरफ कह सकते जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ जो पटना के मेयर हैं सीता साहू वो भी हैं। तो एक मुख्यमंत्री आज जो फाइनल वो है वो देखने के लिए और जाते ही उन्होंने तमाम चीजें जो पटना के डीएम है उनको समझने की कोशिश की है और लगातार जो हमारे पीछे एक जो वोट आ रही है उसी के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री खड़े होकर एक घाट का जायजा ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और जो लाल कपड़े से ढका हुआ घाट दिख रहा वो खतरनाक घाट है, उनके लोगों को नहीं आने के जो एक तरह से वो किया गया है और ऐसे तमाम घाट इस बार हुए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपदा की स्थिति रही है, इस बार बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से समस्या हुई थी बिहार को, तो वो एक समस्या है जिसकी वजह से कई कई घाट है जो पिछली बार जहाँ छठ होता था इस बार वहाँ छठ नहीं हो पाए क्योंकि खतरनाक घाट हो गए हैं।
तो ये सब चीजें हैं इस परिस्थिति में कई कई जो शैलेंद्र यहाँ पर एक और चीज आपसे जोड़कर जानना चाहेंगे, छठ के मौके पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असावधानी अगर बरती जाए या थोड़ी सी कहीं गलती हो जाए तो एक बड़े हादसे का भी खतरा बना रहता है, तो उसके लिहाज से घाटों पर क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या आपने घाटों का दौरा किया होगा, आपको वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई कोर कसर रह गई है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। घाटों की अभी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए, हम लोग उन्हें दिखाने की कोशिश की गई जो रास्ते हैं, चाहे घाट का रास्ता हो, महेंद्र घाट का रास्ता हो, और एक तस्वीर जो आप दिख रही होगी इस समय क्योंकि लाल लाल डब्बा लगातार दिखता है, तो ये लाल डब्बा इसलिए लगाए गए हैं ताकि वहाँ लोग उस घाट से नहीं जाए, और वहाँ एक बैरिंग की नियुक्ति की गई है और वो कर्मचारी रहेंगे, वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं आए, वहाँ कोई उपद्रव नहीं करे, वो तमाम तरह के इंतजाम जो जिला प्रशासन की ओर किए गए, और घाटों को जो अंतिम रूप का यह तैयारी कर दिया जा रहा है, ये सीधा घाट है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, और लगभग यहाँ की स्थिति पिछले साल जिसमें अलग थी इस साल अलग है, क्योंकि इनके जो घाट है इस साल काफी यहाँ के घाट जो है खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो अब जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को असुविधा नहीं, सारी पैसे जो जगह है उनको चिन्हित करके वहां पर तालाब बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उन तालाबों पर जाकर भी जो छठ पर्व है लोक आस्था का पर्व है वो कर सके, और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के साथ जो चाहे डीजीपी की बात हो, डीजीपी है जो चीफ सेक्रेटरी है दीपक कुमार वो भी हैं, क्योंकि जो सच की बात करें किस तरह से जो अभी त्योहारों को लेकर एक वो आया था कि नेपाल के रास्ते कुछ आतंकी यहाँ घुसे हो सकते हैं और उनको लेकर एक व्यवस्था की गई है और लगातार गाड़ियां आती हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी नहीं होने पाए, तो ये सब इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, लेकिन ये बड़ा पर्व है और बड़ी पैमाने पर यहाँ लोग आते हैं, अगर लोगों की संख्या देखी जाए तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं जो इंतजाम हैं वो नाकाफी जैसे लगते हैं, क्योंकि कितने लोग आते हैं देश विदेश से, ये कहीं भी कोई रहता है, अगर छठ वहाँ पर अपने लोग आते हैं अपने परिजनों के साथ मिलकर, तो ये हम बार बार ये बात करते हैं कि सामूहिकता का पर्व है, आपसी मेल मिलाप का, आपसी सद्भाव का एक पर्व है, और उस पर्व को उसी तरह से मनाया जाता है, प्रकृति का पर्व है जो किसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, चीजें जो प्राकृतिक है उनका इस्तेमाल इस पर्व में किया जाता है, तो ये सब चीजें हैं, और इसके बीच में जो प्रशासनिक व्यवस्था है जी शैलेंद्र जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई उससे साफ समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और इसके लिए जायजा लेने निकले हुए हैं पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, लगातार ये तस्वीरें आप जी बिहार झारखंड पर देख रहे हैं, छठ महापर्व पर हमारी महा कवरेज आपको इन चारों दिनों पर दिखाई देगी क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं इस पर्व के लिए और नहाए खाए से छठ की शुरुआत विशिष्ट शुरुआत जो हुई है उसकी भी बेहद खास तस्वीरें हम आज सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं, घाटों पर क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर भी हमने पहली नजर बनाई हुई है और लगातार हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जिससे कि कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर लिया जाए। इसलिए आपको छह